सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है जो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएसपी टेक चैनल। इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सो भाई, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखिए, हमारे वीडियो पर कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि देखिए सर, कि आप जो हमारा जो मोबाइल डाटा जो होता है, जो MB जो होती है हमारी, वो कम समय तक यूज़ हो पाती हैं, ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आप कोई सा भी रिचार्ज कराते हो तो मिनिमम 1.5 से 2 GB तक डाटा मिलता है आपका। तो आप उसको कम से कम 8 से 9 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ऐसी ट्रिक बताऊँगा आज, 3 स्टेप ऐसे बताऊँगा जो कि आप अपने फ़ोन को सेटिंग में रखना होगा। इन 3 सेटिंग को आप ऐसे कर पाते तो मिनिमम आपको 1.5 GB डाटा जो है आपको 6 से 7 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके। और 2 GB डाटा जिसका भी है तो आप मिनिमम उससे 9 से 10 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके। तो ऐसी 3 सेटिंग आपको बताऊंगा, आपको लेकर चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। ऐसी 3 सेटिंग बताऊंगा जिसकी जो भी डाटा की वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बिना टाइम दिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सिंपली अगर मेरा एंड्रॉइड फ़ोन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सिंपली आपको करना क्या होगा, देखिए अगर आपका जो डाटा MB है जो काफ़ी कम समय तक टिकती है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आप काफ़ी लंबे समय तक इस डाटा MB को यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, आप आज की इस वीडियो में बताऊँगा 3 ऐसी सेटिंग के बारे में जो कि आप आपका 1.5 GB डाटा है तो उसको 6 से 7 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे आप, और 2 GB डाटा आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तक यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए कौन सी सेटिंग है, सबसे पहले आपको अपना YouTube ओपन करना होगा। जैसे कि मैंने अपना YouTube ओपन कर लिया है, तो YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पर जो मैंने डाटा ऑन नहीं कराया, तो आपको कुछ डाटा ऑन हो या ना हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा लाइब्रेरी पर क्लिक करना होगा। लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आपको अपने लोगो पर जाना होगा। जो आपका लोगो यहाँ पर दिख रहा है, तो लोगो पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा सेटिंग वाला ऑप्शन, तो सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले जो आपको लिख रहा है यहाँ पर जनरल, तो जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट सेटिंग आपको ये वाली करनी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिख रहा है लिमिट मोबाइल डाटा यूज़, तो या इसको आप अनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो मोबाइल डाटा लिमिट है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक टिक पाएगी, आपकी जो मोबाइल डाटा हमारा जो लिमिट से काम करेगा। तो यहाँ पर इसको अनेबल करना होगा सबसे फर्स्ट ट्रिक। और सेकंड ट्रिक जो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको मिलेगा डाउनलोड क्वालिटी, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमारी जो क्वालिटी है तो हाई क्वालिटी में हमारा सिलेक्ट होता है। आप देख सकते हैं 720 पिक्सल HD में हमारा जो वो है सिलेक्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा मीडियम 360। यहाँ पर आप लो क्वालिटी भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर मीडियम रहने दें, तो आपको मीडियम रहने से आपको अभी काफ़ी लंबे तक डाटा जो है काम करेगा यहाँ पर, और हाई क्वालिटी रखते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी कम समय तक यूज़ होगा। तो यहाँ पर मिनिमम आपको मीडियम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे सेकंड ट्रिक मैंने बता दिया आपको, थर्ड ट्रिक क्या करनी है, तो आपको बैक जाना होगा, यहाँ पर सब कट करके आपको अपने सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो देखिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा DSSim:Network, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा DSSim:Network पर। यार अगर आपका कोई दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन है, जैसा कि मेरा ये ओप्पो का फ़ोन है तो यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना होगा, जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे की ओर डाटा सेविंग, तो डाटा सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इसको भी अनेबल करना होगा, तो जैसे मैंने इसको अनेबल कर दिया, ऑन कर दिया, तो आपका जो डाटा है तो यहाँ पर आपको जो डाटा है तो आपका जो डाटा का यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे समय तक पहुँचाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाटा सेविंग, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो आपका डाटा है यहाँ पर सेव रहता है और यहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता और एप्लीकेशन पर। तो इन 3 सेटिंग को आपको करना होगा, और काफ़ी अच्छी सेटिंग है ये भी। इन 3 सेटिंग को आप अनेबल करते हो अपने फ़ोन